नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस पाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बड़वानी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने जिले में अवैध पशु परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए और क्रूरता पूर्वक पशुओं को भरकर परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए, जिस पर राजपुर TI राजेश यादव ने पुलिस अधीक्षक बड़वानी के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक RD प्रजापति SDOP पदम सिंह बघेल के मार्गदर्शन में एक टीम गठित कर टीम को अवैध गोवंश परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, जो राजपुर टीम द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर अवैध गोवंश परिवहन करने वालों की पतारसी करते टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति सुरेंद्रल से बरू फाटक राजपुर होते हुए टेम्पो में बैल भरकर वध के लिए पलासनेर महाराष्ट्र की ओर ले जाने वाला है, जो टीम द्वारा हाथी गेट राजपुर में घेराबंदी करते आरोपी प्रहलाद गोविंद यादव उम्र 38 वर्ष निवासी हनुमान मंदिर के पास धामनोद को टेम्पो लेकर आते पकड़ा, जिसकी पिकअप को चेक करते उसमें गोवंश रस्सियों से बांधकर क्रूरता पूर्वक 2 बैल कीमती 54,000 रुपए के भरे हुए पाए गए। टेम्पो के ड्राइवर से बैलों के परिवहन कर लाने ले जाने के संबंध में वैध दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करते नहीं होना बताया और बैलों को सुंदरेल से महाराष्ट्र राज्य में वध के लिए ले जाना बताने पर आरोपी प्रहलाद से टेम्पो में भरे 2 बैल मय टेम्पो को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। निरीक्षक राजेश यादव, झाबर सिंह गोयल, प्रधान आरक्षक मुकेश सोनारे, आरक्षक संजय डावर, थाना प्रभारी TI राजेश यादव ने बताया कि अवैध गोवंश परिवहन करने वालों के खिलाफ राजपुर पुलिस की कार्यवाही जारी रहेगी। सर, अवैध गोवंश पकड़ा, क्या कहेंगे? ये SP श्री दीपक कुमार शुक्ला सर के स्पष्ट निर्देश है कि जो भी अवैध गतिविधियां, अवैध गोवंश परिवहन हो रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्हीं के निर्देशों के पालन में आज हमको मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर SI गोयल, प्रधान आरक्षक मुकेश और इन्होंने जब घेराबंदी की तो सुंदरेल धामनोद तरफ से जो है बरू फाटा होते हुए एक गाड़ी पिकअप इधर आती हुई मिली थी, जिसमें 2 बेल भरे हुए थे। उसको चालक को जब रोका गया तो वो गाड़ी को तेजी से जब निकाल कर आगे भागने लगा, जो घेराबंदी करके उसको आगे पकड़ा और जब पूरा पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम प्रहलाद यादव बताया है और जो बेल भरे थे उसके संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए और जब उससे और हिम्मत अमली से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इसको अवैध वध करने के लिए महाराष्ट्र में ले जा रहा था। इसमें गोवंश अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी कस्टडी में है और इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो गाड़ी पिकअप जब्त हुई है इसको राजसात के लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय को पत्राचार किया जाएगा।